लाइक वी हैव गैदर्ड हियर, ठीक है, तो दीज आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, हमारी सारी चक्रास की ये सब फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट। और अगर आप लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि कौन से चक्रा का कौन सा क्रिस्टल है, देखिए अभी चक्रा की तो सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, लेकिन चक्रा के जो काम होते हैं ना वो बहुत अनगिनत है। मैं सिर्फ अब आपको कलर के हिसाब से बताऊंगी, नेम अभी भूल जाइए क्योंकि अभी आपको नेम कुछ याद नहीं होने वाला। मैं सिर्फ अभी आपको कलर्स के हिसाब से बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हमारा रूट चक्र होता है, रूट चक्र किस लिए होता है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। और किस चीज के लिए होता है रूट चक्र, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, ओके, स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी इन लाइफ, इन सब के लिए। अगर किसी की लाइफ में कुछ चीज, जैसे रिलेशनशिप में भी अनस्टेबल रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी, जहां पे भी स्टेबिलिटी वर्ड आ जाएगा ना, रिलेशनशिप तो सेकंड प्राइमरी आपका जो हो गया वो हो गया स्टेबिलिटी। तो यू विल सी आपको बेस्ट बेस्ट चक्र को हेल्दी करना है। तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्या हुई, आपने बेस्ट चक्र को हेल्दी किया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो देखिए सिंपल, अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं आता आपको क्रिस्टल्स के अंदर। आपने क्या किया, कोई भी एक रेड कलर का क्रिस्टल ले लिया, जैसे हम रेड जेस्पर ले लिया, रेड कलर का कोई भी एक क्रिस्टल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन मिलेंगी। रूट चक्र की कौन सी होती है, 396 हर्ट्ज, ठीक है, ओपन 396 हर्ट्ज मेडिटेशन, टेक रेड जेस्पर, रेड जेस्पर और 396 हर्ट्ज की एनर्जी एकदम मिलेगी। वो क्रिस्टल्स आर द मैग्निफायर्स, ओके। आप रेड जेस्पर लेकर बैठिए, रूट चक्रा की तरफ लेकर बैठिए एंड स्टार्ट डू मेडिटेशन विथ 396 हर्ट्ज। आधे घंटे में आपका रूट चक्र इतना ज्यादा बैलेंस हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में उसका असर देखने लगेंगे। क्रिस्टल हीलिंग इतनी सिंपल है, सोचिए कितनी सिंपल है। अगर मैं ये, तो मैंने आपको एकदम सिंपलेस, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में क्रिस्टल को समझाया है, सिर्फ कलर्स के वे में, क्योंकि कलर्स से हम लोग सब वाकिफ है ना, एटलीस्ट हम कलर्स तो समझ ही सकते हैं। आपके पास गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यू शुड नो हाउ टू यूज देम, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे बताया, ये जो हर्ड्स होते हैं आप वो हर्ड्स लीजिए, उस कलर का बस क्रिस्टल ले लीजिए। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि विच चक्रा इज इन प्रॉब्लम। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप समझ पाते हैं जब आप चक्रास को समझ पाए। तो दिस कोर्स इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन, अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चक्रास, अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूट कॉज, द प्राइमरी कॉज एंड द सेकेंडरी कॉज। तब आपको समझ आता है कि आप एक साथ कितने क्रिस्टल्स आपको यूज करने हैं, एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, तीन क्रिस्टल, कितने प्राइमरी कॉजेस है, कितने सेकेंडरी कॉजेस है, वो चीज आपको बताते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स टू यूज। क्लियर, ये बात सबको क्लियर है ना। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज यू कैन।